आज 6 अप्रैल है। हिमाचल प्रदेश में अब तक लॉकडाउन सक्सेसफुल रहा है और आप सबको पता है कि ये लॉकडाउन 14 अप्रैल तक रहेगा और कल रात 9 बजे सब लोग बालकनी में आके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके दिया जलाए हैं और प्रार्थना की है और प्राइम मिनिस्टर के अपील पर हिमाचल प्रदेश में ए मासिव रेस्पॉन्स रहा है, ऑलमोस्ट 100% रेस्पॉन्स रहा है। हिमाचल वासियों को मैं इस अवसर पर धन्यवाद करना चाहता हूं और मुझे पूरा उम्मीद है जो प्रेयर का पॉजिटिव असर जरूर होगा और इस कोरोना वायरस को मिटाने में हम कामयाब रहेंगे। अब हिमाचल प्रदेश में कल एक पॉजिटिव केस और आया, जो तबलीग जमात का जो मरकज से जो दिल्ली से आया था वो गंगत का रहने वाला है और हमने आइडेंटिफाई किया है उनका जो ट्रेन किस ट्रेन में आया है, किस गाड़ी में ट्रेवल किया और क्वारंटाइन के लिए उचित कार्रवाई हम कर रहे हैं। और जो तीन जो मरकज के तबलीग जमात के जो पॉजिटिव कल निकले थे, परसों निकले थे, जो कल एडमिटेड थे आईजीएमसी में, वे लोग दिल्ली से एचआरटीसी बस से चले हैं। 18 तारीख को 4 बजे चलने वाली बस और दूसरा 9:30 बजे चलने वाली बस में बैठकर नालागढ़ आए थे। तो जिन लोगों ने उस दिन इस बस में, इन दोनों बसों में जो ट्रेवल किए, उनसे मेरा अनुरोध है कि वे सेल्फ क्वारंटाइन में रहे। अगर कोई कोरोना वायरस का सिम्टम उनको लगता है तो जरूर टेस्ट कराए और तब तक क्वारंटाइन में ही रहे। कल हमारे अपील के उपरांत 12 तबलीग जमात के लोग जो दिल्ली निजामुद्दीन के मरकज गए थे और मार्च महीने में वापस आए थे, उन्होंने डिस्क्लोज किया। इसके अलावा 52 जो तबलीग जमात के लोग जो इनके कॉन्टैक्ट में आए थे, उन्होंने भी पुलिस को सूचना दिया और वो स्वयं क्वारंटाइन में चले गए। और एक बात मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं, कुछ एक इंस्टेंसेस जो कोरोना वायरस पॉजिटिव लोग जो है दूसरों के मुंह में जो थूकने का वारदातें आई है, हिमाचल में भी एक वारदात ऐसा आई है, तो मैं एक फर्म चेतावनी देना चाहता हूं, कोई भी कोरोना वायरस पॉजिटिव व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मुंह पर अगर थूकता है तो उसके ऊपर भी अटेम्प्ट टू मर्डर 307 का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अगर दूसरा व्यक्ति को कोरोना वायरस होता है, उसकी डेथ होती है, तो 302 जो मर्डर केस दर्ज किया जाएगा और उसको मर्डर ट्रायल का भी फेस करना पड़ सकता है। और जहां तक पुलिस वाले जो ड्यूटी पर है, वे जो अस्पताल की ड्यूटी पर है या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन ड्यूटी पर है, वे हाई रिस्क पर है। और जो अन्य क्वारंटाइन ड्यूटी पर है या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ड्यूटी पर है, उनको भी रिस्क है। इन सब के रिस्क फैक्टर के आधार पर हमने जो मास्क और पीपीई किट उपलब्ध करवाए हैं और आने वाले दिनों में जो सिचुएशन का अंदाजा लगाते हुए और मास्क और पीपीई किट का उपलब्ध करवा रहे हैं। और पुलिस के जो जवान हैं उनको भी कुछ प्रिकॉशंस लेना है, बाद में पछताने से बेहतर है अभी प्रिकॉशन लेने का। और जो गाड़ियों का ड्राइवर कई बार या जो गाड़ियों में बैठा हुआ व्यक्ति अपना मोबाइल पुलिस वालों को दे देता है कि अफसरों से बात करो, तो उसके मोबाइल से बिल्कुल बात करना नहीं चाहिए। आपने सिर्फ पास चेक करना, अलाउ करना, नहीं करना। अगर फोन पे बात करना आवश्यक है तो अपना फोन से ही करें और गाड़ी को टच ना करें, क्योंकि मेटल सरफेस और प्लास्टिक में काफी देर तक कोरोना वायरस रहने का संभावना है। गाड़ी के नजदीक ना जाए, जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और घर वापस जाने के उपरांत अपना यूनिफॉर्म को सेपरेटली बाहर रखें और उसके बाद नहाएं, हाथ भी धो लें, नहाएं। और ये सब आप अपना परिवार को भी जो इसमें सुरक्षित रखने के लिए करना आवश्यक है। घर में बुजुर्ग लोग हैं तो उनसे दूर रहिए, बुजुर्ग लोगों से भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। और कुछ सुसाइड केस कल भी हुआ है हिमाचल में, इसलिए
मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस वक्त लोग जो क्वारंट इसमें लॉकडाउन में घर में हैं, वो कई लोग जो है डिप्रेशन में हैं और कई तरह का टेंशन होता है, और इसलिए मैं सलाह देता हूं, इसका एक ही रास्ता है, जो एक्सरसाइज करे, योगा करे, प्राणायाम करे, आपको जो सूट करता है वो करे। और मेरे कुछ दोस्त रिटायरमेंट के बाद योगा के गुरु बन चुके हैं, और ये संभव है। योगा स्टार्ट करने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। और जो यंगस्टर्स है उनका पढ़ाई में अगर एक्सरसाइज करने से असर पड़ेगा, कुछ नहीं तो सीढ़ियां अगर 50 बार ऊपर नीचे चढ़े उसका असर पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, ये फुटबॉल चैंपियन कैन अंडरस्टैंड भगवत गीता बेटर एंड ही इज हैप्पियर देन ए मैन हु रिसाइट्स गीता। जो फुटबॉल चैंपियन है वो गीता को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकता है और ज्यादा खुश रह सकता है, जिसको कंपेयर टू ए पर्सन जो है वो बैठ के गीता पढ़ता है। इसका उनका यही कहने का मतलब है, जो फुटबॉल चैंपियन फिजिकली फिट रहता है, वो मेंटली अलर्ट रहता है और उसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ब्लड फ्लो रहता है, इसलिए वो जल्दी भगवत गीता को समझ सकता है। इसलिए जो बच्चे अगर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो जो सब्जेक्ट वो पढ़ते हैं उसको ग्रास्पिंग बेटर कर सकते हैं, और बुजुर्ग लोगों के लिए ये बहुत ही जरूरी है। खुश रहने के लिए भी एक्सरसाइज या योगा प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है। और दूसरी बात, घर में खास तौर पर जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए, जो 60 इयर्स के ऊपर जो लोग रहते हैं उनके लिए इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप करना बहुत आवश्यक है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने जो कुछ एक जो नेचुरल तरीके बताए हैं, हमने हिंदी में अपना सोशल मीडिया में फेसबुक में डाला है, आप इसको जरूर पढ़िए। और जो नेचुरल आसान तरीके से जो बुजुर्ग लोग अपना इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, और बुजुर्ग लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, उनको जहां तक हो सके अपने आप को फिजिकली फिट रखना चाहिए, चाहे कोरोना वायरस से है या नहीं। शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में एक बात कही, यावत द्वितो पार्चन शक्ता स्थावन निज परिवारो रक्ता। इसका मतलब है, जब तक शरीर में ताकत है, जब तक आप एक्टिव है, तब तक रिश्तेदार, दोस्त, बंधु सब लोग आपके पास आते हैं, बात करते हैं, जाते हैं, आपको मानते हैं। पश्चात जीवति जर्जर देहे, जब एज हो जाता है आदमी का ताकत खत्म होता है, वो अगर आप वो हेल्दी नहीं रहता है, बिस्तर पे लेट जाता है, तो वार्ताम कोपि न पृच्छति गेहे, कोई बात करने वाला नहीं रहेगा। आपके घर में इसका विपरीत हो सकता है, कई लोग अभी भी माँ बाप को या अपना नाना नानी दादा दादी को बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं, लेकिन जो शंकराचार्य जी ने कहा 8वीं शताब्दी में, वो लोक सत्य है, एक इटरनल ट्रुथ है, और मेजॉरिटी यही हालत हो सकता है। और इसीलिए जो मिल्खा सिंह ने कहा कि 90 साल हो गया उसके उपरांत भी मैं आज भी दौड़ता हूं, और इसीलिए दौड़ता हूं कि मैं जब तक दौड़ता हूं, जब तक फिजिकली फिट रहूंगा, तो मैं एक असली जिंदगी जी पाऊंगा। एक बार बिस्तर पे लेट गया तो मेरा मेरा जिंदगी का मतलब कम होते जाएगा, और इसीलिए जो 90 साल के उपरांत भी वो दौड़ते रहता है। हर एक को यही इसी लाइन पे सोचना चाहिए, हमारा हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, खुश रहने के लिए फिजिकल फिटनेस बहुत आवश्यक है, किसी भी एज का हो। और एक बात मैं बाकियों को बोलना चाहता हूं, जो घर में बुजुर्ग लोग रहते हैं, जो घर के में जो रहने वाले बेटा बेटी के लिए एक सलाह है, द वर्ड फैमिली FAMILY स्टैंड्स फॉर फादर एंड मदर आई लव यू। जिस कोई भी फैमिली जो है, नो फैमिली कैन बी कॉल्ड ए फैमिली अनलेस देर इज रेस्पेक्ट, लव एंड अफेक्शन फॉर द पेरेंट्स। और ये बहू के लिए भी लागू है, FAMILY स्टैंड्स फॉर फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ आई लव यू। तो जब तक बुजुर्गों के लिए रेस्पेक्ट रहेगा, माँ बाप के लिए रहेगा, नाना नानी के लिए रहेगा, दादा दादी के लिए रहेगा, वही उसी को फैमिली कहा जाता है, असली मतलब फैमिली का मतलब वही रहेगा।
इसलिए अपना बुजुर्गों के लिए रेस्पेक्ट दे दिए और उनका देखभाल करिए और उनसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए और कोरोना वायरस का जो मेनेस है इससे हम सब इकट्ठा होके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके बच सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।